सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला विलक्षण ताबीज एक महात्मा थी। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करती थी। एक गांव में जाती, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करती और फिर वहां से दूसरे गांव चले जाती। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते वे एक गांव पहुंचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, आज आमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठा हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माता जी महाराज के पास जाकर बोली, हे महाराज जी, आप आमुक गांव में जाया करते हो? महाराज जी, हाँ माई, जाया करता हूँ। माता जी, वहाँ आपका आमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी, हाँ जाया करता हूँ। माता जी, ये मेरी बहू उसी की बेटी है, ये मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती। लोगों में महाराज जी का एक भय था, कोई गड़बड़ी करता तो कहते कि हम महाराज जी से कह देंगे। वो कहता कि भाई महाराज जी को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते। वे बड़े प्रेम से कहते कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन था वो बड़ा विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक होता है। महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया और उससे कहा, हे बेटी, तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। जब वो छोटी बच्ची थी तब वो महाराज जी के सामने खेला करती थी। अब बड़ी हो गई है, विवाह हो गया है तो ससुराल आ गई है। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह पूज्य भाव था। अब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वो घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो वो बोली, हे महाराज जी, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, मैं सास को दुख नहीं देती, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, मैं क्या करूं? सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है कि वो लड़ाई करता है, दूसरा कहता है कि वो लड़ाई करता है, अपना अवगुण अपने को नहीं देखता। महाराज जी ने कहा, हे बेटी, तू घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बना कर देता हूँ जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहाँ उसका देवर खड़ा था, उसको महाराज जी ने कागज कलम दवात और एक ताबीज लिखने के लिए कहा। वो जाकर चारों चीज़ें ले आया। महाराज जी ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेट कर ताबीज में बंद कर दिया। महाराज जी, हे बेटी, ये ताबीज तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को भी मेरी बात मानने पड़ेगी। बहू, हाँ महाराज जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। महाराज जी, दो बातें, एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना, और दूसरा सास जो कहे उसे चट उठकर कर देना। इन दो बातों का तू पालन कर लेगी तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहू, महाराज जी, कितना दिन करना पड़ेगा? महाराज जी, कम से कम 12 महीने पालन कर तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल हो गई तो उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे, उससे जो पहले दिन बीत गए वे गिनती में नहीं आएंगे।
बहू ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगी। बहू ने ताबीज लेकर बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन और सत्संग किया, फिर दूसरे गांव चले गए। उनका कोई नियम नहीं था कि वे कितने दिन यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे संतों की परंपरा चलती थी और लोगों पर उनका धार्मिक शासन चलता था। उनके शासन से लोग प्रभावित होते थे। लोग उन संतों को बड़े पूज्य भाव से देखते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इससे गांवों में बड़ी शांति रहती थी। बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम कहती तो वो चट से हाथ जोड़कर आ जाती और सामने नहीं बोलती। सास ने मन में विचार किया कि महाराज जी का यंत्र बड़ा विलक्षण है। देखो, एक दिन में ही बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई, घर वाले भी सब राजी हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो वो सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा ही पास में रहती है। खटपट तो तभी होती है जब वो सास के सामने बोल दे और उनका कहना नहीं करे। कुछ दिनों बाद महाराज जी फिर आए तो उन्होंने पूछा, माता जी ठीक है ना? वो बोली, महाराज जी आपकी कृपा से बहुत ठीक है, बहू सुधर गई। बहू से पूछा तो वो बोली, महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने बोल गई। महाराज जी ने कहा, हे बेटी, उसी दिन से 12 महीने तक गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। बहू बोली, ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5 वर्षों में उससे 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उस गांव में आए और उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। तो बहू राजी हुई। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते थे तो कोई ज़्यादा आग्रह करता तो कपड़े ले लेते। रुपए पैसों का कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा की और सत्संग सुनाया। फिर कहा कि दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही रहें। आपसे एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि हे भाई, अब सत्संग हो गया है, अब आप सब लोग जाओ। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले कि मैंने जो ताबीज बनाकर दी थी उसको लाओ। उन्होंने ताबीज लाकर महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा कि इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज के भीतर रखा कागज खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु को क्या और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहें तो हमें क्या मतलब, और रोजाना आपस में लड़ें तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो ये है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। ये शक्ति यंत्र नहीं है, ये शक्ति इस सब बात में है कि सामने ना बोले और जैसा कहे वैसा कर दो। देखो, दूसरा कोई जंतर मंतर की बात कहे कि हमें देवता सिद्ध है, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तो डरना नहीं। इसलिए तुम ये मंत्र खोल कर दिखाना। जंतर मंतर को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे को मेरी बात पर विश्वास हो जाए इसलिए ये मंत्र बना कर दिया है।
बड़ों के सामने बोलना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना, इन दो बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो इससे आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कभी सास कोई ऐसा काम करने को कह दे जिससे आगे नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाओ। वो पूछे क्यों खड़ी हो तो कहें कि आपका ये काम तो मैं कर दूंगी पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। वो कहे कि नहीं नहीं ये काम करना है तो वैसा कर दें, मगर काम बिगाड़ हो जाए तो सेखी ना बघारें कि देखो मैंने तो पहले ही कह दिया था पर आपने नहीं माना। प्रत्युक्त बड़ी नम्रता सरलता निर्भमानता रखें। महाराज जी की इन बातों का सब पर बड़ा असर पड़ा। सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग भी आज इस विलक्षण यंत्र को धारण कर लें कि बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे, उनका तिरस्कार अपमान अवहेलना नहीं करेंगे और वे जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। फिर आपके घरों में भी शांति आनंद हो जाएगा।